और कानपुर से खबर, यहां के चकेरी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के लिए 5 टीम लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर साइबर सेल, साइबर क्राइम, क्राइम ब्रांच, LIU, इंटेलिजेंस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अज्ञात ईमेल आईडी से CISF के अधिकारी मेल आईडी पर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये धमकी मिली थी चकेरी पुलिस ईमेल के IP एड्रेस का अब पता लगाने में जुट गई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से एयरलाइंस को, एयरपोर्ट को लेकर धमकियां मिल रही है और इस बार कानपुर में चकेरी जो हवाई अड्डा है उसको लेकर धमकी मिली है, क्या जानकारी इसे लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से जुड़ा है, जहां 6 अक्टूबर को मेल आई। असल बात, इस मेल को आगे डिस्क्लोज ना हो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसको वाइंड अप करने का प्रयास किया, क्योंकि 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, फिर 6 अक्टूबर, यानी 3 मेलें लगातार आना अधिकारियों के होश फाकता कर दिए, जिसके बाद इसको पुलिस से शेयर किया गया। पुलिस ने जहां एक और मुकदमा दर्ज किया, अब इसकी IP और एड्रेस को भी पता लगाने का चकेरी पुलिस प्रयास करिए। मगर इन सबके बीच कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 5 सदस्यीय टीम इसमें बना दी गई है। जो टीम्स है उसमें साइबर सेल, साइबर क्राइम, LIO, इंटेलिजेंस और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो लीडिंग टीम है इनकी, इसको लगाया गया है और इस IP एड्रेस को पता लगाने का प्रयास किया है। साजिश या शरारत, इन दोनों एंगल्स पर अब पुलिस काम कर रही है। अगर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की माने तो टीम इस पे अब काम कर चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है, क्योंकि जो कोडिंग्स लिखी है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो कोडिंग्स होते हैं उनको डिकोड कोड को टैली करना एक बहुत टिपिकल काम होता है, उसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है किसके हैंडल से निकली और ऐसी तमाम चीजें हैं। मगर इन सबके बीच सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। जी नहीं, ठीक है अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कुछ और खबर है जिस पर आपसे अपडेट लेना है। तो किस तरह से कानपुर में ये थ्रेट हुआ इस पर हम बात कर रहे थे, और अब बात कर लेते हैं नोएडा के, जहां पर पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं के पास से 14 कछुए बरामद किए गए। आरोप के मुताबिक ये महिलाएं मथुरा की यमुना नदी से कछुओं की तस्करी कर नोएडा में बेचा करती थी। महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने केस दर्ज कर लिया है। और कानपुर से एक और खबर आ रही है, जहां पर दवा कारोबारी के फॉर्म पर छापा पड़ा है। हिमाचल प्रदेश से IT की टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है। दर्द की दवा का नशे में इस्तेमाल की सूचना मिल रही थी। नारकोटिक्स विभाग की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बर्रे के जिंक लाइफ केयर फार्म में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर इस पूरे कारोबार की बात की जाए तो किस तरह से इसका पता चला, अब इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, और क्योंकि हिमाचल की पुलिस यहां पर पहुंची है तो इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ और दवा कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकती है क्या? देखिए नीतू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर मामला है और बड़ा गोपनीय रखा जा रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक नारकोटिक्स विभाग की टीम कानपुर कल देर शाम पहुंची और उसके बाद तमाम चीजों को वो टैली करा रही थी। कानपुर के बर्रा, गुजैनी, नौबस्ता, जो हमारे सोर्सेज आए, इन जगह पहले टीम ने पूरी देखी कि उसके बाद बर्रा के इस दवा व्यापारी टीम पहुंची और टीम वालों ने इनसे पहले इनके पेपर मांगे, क्योंकि जिस दवाई का जिक्र हो रहा था ये पेन किलर है। पेन किलर को एक्सेस डोज देने में यदि मल्टीपल डोज किया जाए तो ये नशे के में काम होते हैं। इसकी जो रैपर पैकिंग में सच कुछ नहीं लिखा है कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। हिमाचल के व्यक्ति ने, जब नारकोटिक्स की टीम ने वहां सख्ती से पूछताछ की तो कानपुर की एक चेन कड़ी मिली, यानी हिमाचल टू UP के कानपुर होते एक नगरी में चेन मिली और उसके बाद इस चेन के आधार पर उस मेडिकल स्टोर तक पहुंचने का प्रयास किया। तमाम दस्तावेज दिए गए और यहां तक कि सैंपल भी लिए गए। सैंपल लेके टीम वहां की जो अपनी लैब है, नारकोटिक्स की अपनी शिमला में लैब है, वहां ले जा रहे हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई के जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, इनके पेपर्स को भी रख लिया गया, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर है उसके माध्यम से 17 ऐसे जगह हैं जो मल्टीपल शॉप्स हैं जिनके यहाँ ये चीज दवाइयां पहुंची, क्योंकि पेन किलर हर व्यक्ति भी यूज करता है, चाहे AD में हो, सर में हो, थाइस में हो, काफलेग में हो, तमाम जगहों, लेकिन एक्सेस डोज का इनके नशे में यूज होता है ऐसा माना जा रहा था। इसी बिहार पर टीम ने छापेमारी की शुरुआत की थी। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और आगरा से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा पुलिस ने नकली दवाइयों की फैक्ट्री छापेमारी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने नकली दवाओं की सप्लाई को लेकर मशीनें खरीदने का भी बात कही है। आरोपियों ने बताया कि नकली दवाई बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश से मशीनरी खरीदी गई। आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस NANTF और ड्रग विभाग की टीम ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 4 करोड़ की नकली दवाएं और 4 करोड़ की मशीनें बरामद की है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य सरगना विजय गोयल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीछे लाइट जल रही है, पीछे जल रही है। शाहजहांपुर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने घर में छापेमारी की। घर में नकली गुटखा बीड़ी चायबत्ती का कारोबार चल रहा था। फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनियों के मार्क वाले रैपर में चाय की पत्ती गुटखा नकली बीड़ी भरकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मामला सलीमाबाद मोहल्ले का है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रॉ मटेरियल कानपुर से लाकर ब्रांडेड कंपनी के रैपर में भरकर मशीनों के जरिए पैक किया करते थे। बड़े पैमाने पर इस माल की थोक सप्लाई बाजार में कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर 2 केस दर्ज है। शाहजहांपुर में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियानों के अंतर्गत थाना तिल्हर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना तिल्हर पुलिस व खाद्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मोहल्ला सलेमाबाद पट्टी में अली हसन के गोदाम पर छापेमारी की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली पान मसाला गुटखा बीड़ी व चाय की बरामदगी हुई है। मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अनूप चौरसिया पुत्र सुरेश चौरसिया निवासी मोहल्ला शुक्लागंज थाना गंगा घाट जिला उन्नाव व कमल कश्यप पुत्र बेनी माधव निवासी कलेक्टरगंज थाना कलेक्टरगंज कानपुर। पूछताछ में द्वारा बताया गया कि यह लोग बाहर से अलग अलग जगह से माल लाकर अलग अलग कंपनी के फर्जी रैपर तैयार कराकर गोदाम में पैकिंग करके बाहर बेचते हैं।